नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आज हम जो हम लोग वीडियो बनाए बना रहे हैं, ये वीडियो जो है ना एंशेंट हिस्ट्री पर आधारित है, और जिसमें यह वीडियो है जीरो से लेके हीरो तक है। ठीक है, तो कुछ सुन लीजिए थोड़ा स्टार्टिंग में। रख हौसला तुझे मंजर भी मिलेगा, रख हौसला तुझे मंजर भी मिलेगा, और प्यासे के पास चलकर कुआं खुद भी आएगा। थक कर ना हार ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना हार ये मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी, जिस दिन मिलेगी उस दिन मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, और ये जो एंशेंट हिस्ट्री पर हम लोग वीडियो जो बना रहे हैं, जो क्लास आप देख रहे हैं, यह यूपीएससी मेन फोकस यूपीएससी पर ही है। और जब यूपीएससी पर है तो और समझ जाए कि जितने भी स्टेट पीसीएस हैं 28 स्टेट्स के, वो भी जो आपका जो सिलेबस है, इस जो यूपीएससी के सिलेबस से जो मैक्सिमम कवर हो जाएगा। और साथ ही जो फैक्ट बेस है, जो जितने भी स्टेट के जो SI दरोगा हैं, या आपका बिहार पुलिस का है, या जहाँ GS का है, लेकिन मेन फोकस यूपीएससी और स्टेट PCS का है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए बदला रहे हैं जो आपका जो हिमालय है, क्या है नॉर्थ में यानी उत्तर में हिमालय और साउथ में समुद्र तक फैला जो उपमहाद्वीप है, इसे भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। अब हम आपको बतला रहे हैं कि जो देखिए नॉर्थ में बाइलिंगुअल क्लास है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। जो हिमालय है हिमालय से लेकर, ठीक है, साउथ में जो है ना दक्षिण में जो आपका समुद्र तक जो फैला जो उपमहाद्वीप, इसे हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए भारतवर्ष के नाम से जानते हैं किससे, उपमहाद्वीप को यानी सब कॉन्टिनेंट को, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जानते हैं। तो देखिए जो आपका सब कॉन्टिनेंट है, अब इसे अलग अलग नामों से पुकारा गया है, क्या अलग अलग नामों से पुकारा गया है। ठीक है, तो देखिए पुरानों और एपिक यानी महाकाव्य में, पुरानों और महाकाव्य में यानी एपिक में देखिए इस सब कॉन्टिनेंट को यानी इस उपमहाद्वीप को भारतवर्ष, ठीक है ना, और भरतों का देश यानी द लैंड ऑफ भरत के नाम से जाना जाता है। देखिए किसके अनुसार, देखिए सब कॉन्टिनेंट को यानी भारतीय उपमहाद्वीप को किसके, पुराणों के अनुसार और महाकाव्यों में, यानी पुराणों में और महाकाव्य में इस सब कॉन्टिनेंट को क्या कहा गया है, भारतवर्ष कहा गया है, और भरतों का देश यानी द लैंड ऑफ भरत कहा गया है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया? देखिए बड़ा मजा आएगा। और यहाँ के जो निवासी है यानी जो लोग सब कॉन्टिनेंट यानी उपमहाद्वीप में रहते हैं, जो लोग उपमहाद्वीप में रहते हैं यानी इनके निवासी यानी उपमहाद्वीप में रहने वाले को क्या कहा गया है, भारती कहा गया है, या द सन ऑफ इंडिया यानी भारत का संतान, इस इलाके में रहने वाले लोगों को भारत का संतान या भारती नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, हम लोग चल रहा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एंशियंट हिस्ट्री का जो बैकग्राउंड हम बना रहे हैं, बैकग्राउंड। ठीक है, देखिए और जो एंशियंट क्लैन यानी क्लैन का मतलब होता है, देखिए कबीला क्या होता है, एक कबीला जो छोटा छोटा कबीला जो आप मूवी में देखे भी होंगे लोग, जो प्राचीन जो कबीला था उसका नाम क्या था, भरत था। प्राचीन कबीला का नाम क्या था, भरत था। ठीक है ना, देखिए प्राचीन कबीला का नाम क्या था, भरत था। यहाँ तो समझ में आया ना, देखिए इस उपमहाद्वीप को किस किस नाम से, भारतवर्ष, द लैंड ऑफ भरतों का देश, और भारत का संतान
पुकारा गया है ऐसा, लेकिन पुराण और एपिक में ये ना ही भारत, भारतों का देश या भारतवर्ष, ठीक है ना। देखिए अलग अलग नाम से पुकारा गया है भारतीय उपमहाद्वीप को, ठीक है ना। यहाँ तक तो हो गया। देखिए एंशियंट इंडियन पीपल थे ना, कहते थे अपने देश को, यानी प्राचीन भारतीय लोग थे, अपने देश को कहते थे, क्या कहते थे, जम्बू इजलैंड, यानी जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। किसको? सब कॉन्टिनेंट को। किस नाम से? जम्बू द्वीप के नाम से, जम्बू के नाम से, या वृक्षों के द्वीप के नाम से इसे जाना जाता था। यानी भारत के लोग देखिए उपमहाद्वीप को किस किस अनेकों नाम से पुकार रहे हैं, अनेकों नाम से, ठीक है ना। तो किस नाम से? जम्बू द्वीप या जम्बू या जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा जा रहा है, ठीक है ना। पुकारा जा रहा है नहीं, पुकारा जाता था, ठीक है ना। अब देखिए, अब धीरे धीरे कैसे इंडिया जो है ना, कैसे जो इंडिया हम लोग जाने, फिर कैसे हिंदुस्तान बना, थोड़ा गौर कीजिए, आराम से पेशेंस रखिए। और देखिए जो एंशियंट ईरानियंस, समझिए बड़ा, जो भारत के जो प्राचीन भारत के जो लोग थे ना, जो अपने देश, जो अपने कंट्री में रहते थे, ठीक है ना, जो प्राचीन भारत के लोग अपने देश को कहते थे, क्या कहते थे, जम्बू द्वीप, जम्बू कहते थे, या जामुन या वृक्षों का द्वीप। ये जो नाम जो आप जान रहे हैं, कहाँ इस भारतीय उपमहाद्वीप को लोग कहते थे, इस नाम से पुकारते थे, ठीक है। अब देखिए जो प्राचीन के जो ईरानियंस थे ना, वे जब आए ना, जब आए तो क्या किए, इंडस रिवर से जोड़ दिए, यानी सिंधु नदी के नाम से क्या जोड़ दिए थे। और देखिए, और इन लोगों को है ना, जो सिंधु न कहकर सीधे क्या कर दिए, हिंदू को है, इनको सिंधु कहना, यानी देखिए एक तरह से क्या है ना, इनको उच्चारण का समस्या था, ठीक है ना। स स यानी जो स था इसको क्या बोल दिया लो, ह बोल दिया लो, स और ह में क्या था, अंतर था। सिंधु क्या बोल दिया लो, हिंदू, क्योंकि उन लोगों को कहने नहीं आता था सिंधु, इसलिए क्या बोला लो, हिंदू। अच्छा एक और बात देखिए, और ये नाम जो था धीरे 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 यह नाम जो फैल गया था, ठीक है ना, पश्चिम तक नाम क्या हो गया था, फैल गया था, बताइए। पश्चिम तक नाम जब फैल गया था, ठीक है ना, जब नाम फैल गया तो पूरा देश जो था, संपूर्ण कंट्री था, इसे नदी के नाम से जानने लगा लो। किस नाम से जाना लो, नदी के नाम से जाना लो, ठीक है। अब देखिए डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। देखिए क्या है, ग्रीक यानी यूनान के लोग, ठीक है ना, इसे देखिए क्या है ना, इस नदी को सिंधु नदी को, इनको कौन, देखिए सबका उच्चारण करने में इन लोगों को दिक्कत होता था, तो जो यूनान के लोग क्या कहे, इंडे कहे, इस सिंधु नदी को क्या कहे, इंडे कहे। इसी यूनान जो भाषा जो के यूनान शब्द भाषा यूनान भाषा के आधार पर, ठीक है ना, यूनान भाषा के आधार पर जो अंग्रेज थे ना, इसे क्या कहने लगे, इंडिया कहने लगे। इंडे से क्या बन गया, इंडिया। इंडे नाम कौन दिया, यूनान बोल, क्योंकि इनको जो सौ का उच्चारण नहीं थे ना, देखिए नहीं ना बोल पाते थे, सौ ना बोल, और क्या बोल दिए, इंडे बोल दिए, और इंडे से क्या बन गया, इंडिया ना बन गया। कौन कहने लगा, ब्रिटिश कहने लगे, आधुनिक भारत में कौन कहने लगे, ब्रिटिश, इस इंडिया के नाम से पुकारने लगे। लेकिन एक ग्रीक भाषा यानी ग्रीक भाषा के आधार पर ही, ठीक है ना, ऐसा हुआ। अब देखिए जो अरब के लोग जब आए ना, इसे अब देखिए अरब के लोग, ठीक है ना, ये भी सिंधु, इनका भी उच्चारण क्या था, सबका अपना उच्चारण था, लेकिन ये उच्चारण देखिए सौ ना कह क्या बोल दिए, ह बोल दिए, क्या बोल दिए, ह,
यानी सिंधु से क्या बना दिए, हिंद, क्या बना दिए, हिंद। और इसी हिंद से बना है, इसी हिंद से बना है मध्यकाल भारत में हिंदुस्तान। इसी हिंद से क्या बना, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान जो क्या बना, हिंदुस्तान, और जो क्या है, एक फारसी शब्द है, क्या है, एक फारसी वर्ड है, यानी फारसी शब्द है, ठीक है ना। इस हिंद से बन गया क्या, हिंदू, क्या बना, हिंदू। और हिंदू से बनाया गया क्या, हिंदुस्तान, ठीक है। अरब के लोग क्या कहे, हिंद कहे, ठीक है ना। और हिंद कौन सा शब्द है, फारसी शब्द है, समझ में आना, हिंद फारसी शब्द है। और यह फारसी शब्द है ना जो क्या है, हिंदू से बना है, क्या है, हिंदू से बना है, ठीक है ना। और यही हिंदू से क्या मध्यकाल मध्य भारत हम लोग क्या जाने, हिंदुस्तान के नाम से जाने, ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। अच्छा अब देखिए, जो विंध्या माउंटेन है, यानी रेंज ऑफ कंट्री, देखिए क्या है, विंध्या पर्वत जो श्रृंखलाएं है ना, देश को दो भागों में बांटती है, देश को दो भागों में बांटती है, एक नॉर्थ है और दूसरा साउथ है। कौन, विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को दो भागों में बांटती है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, यानी एक उत्तर है एक दक्षिण है। देखिए जो नॉर्थ में थे ना, इंडो यूरोपियन, यानी इंडो यूरोपियन के लोग, ठीक है, इंडो यूरोपियन, ठीक है ना, भाषा बोलते थे वो, वे लोग नॉर्थ में रहते थे, और जो द्रविड़ भाषा बोलते थे वो साउथ में रहते थे, ठीक है ना। देखिए इतना याद रखिएगा, देश को दो भागों में बांटता है कौन, विंध्य पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। जब नॉर्थ में लोग रहने लगे थे, इसे यहाँ पे कौन से भाषा चलता था, इंडो यूरोपियन भाषा, और यहाँ पे साउथ में द्रविड़ भाषा, ठीक है। अब नेक्स्ट,